नमस्कार दोस्तों बाथफा एंड्र पर आप सभी का स्वागत है मेरा नाम निधि है दोस्तों ब्रिटेन में काफी ज्यादा डोमेस्टिक टेंशन देखने को मिल रही हैं पिछले काफी समय से अगर स्पेसिफिकली बात करें तो आफ्टर दी ऑनसेट ऑफ द इजराइल हमस वॉर इन अक्टूबर बहुत सारी आ, प्रोटेस्ट यू नो डेमोन्स्ट्रेशन यूके की स्ट्रीट्स पर देखने को मिल रही हैं जिसके जिसको कंट्रोल करने के लिए जिसको चेक करने के लिए ब्रिटेन ने अलग अलग समय पर कुछ डिसीजन लिए हैं जो काफी हार्श डिसीजन लिए गए हैं अब इसी में एक और कड़ी ऐड हो गई है विद द न्यू डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म जो कि एक्सट्रीमिज्मीवेल की गई बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे पहले की जो डेफिनेशन थी 2011 में उसको लाया गया था काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी प्रोग्राम जिसका नाम था प्रिवेंट के अंतर्गत नाउ सरकार ने कहा है कि जो नई डेफिनेशन है इसकी आवश्यकता है ताकि जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है एंटी सेमेटिक और एंटी मुस्लिम हेट क्राइम्स में उसको कंट्रोल किया जा सके उसको चेक किया जा सके ठीक है यूके कम्युनिटीज सेक्रेटरी माइकल गोव ने अनवेल की गवर्नमेंट की नई डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म उग्रवाद टू द हाउस ऑफ कॉमन यहां पर यह उस समय पर की गई है जब यूके में बहुत ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं डोमेस्टिक टेंशन देखने को मिल रही है सिंस सिंधी ऑनसेट ऑफ इजराइल वॉर इन अक्टूबर यहां मैं आपको बता दूं कि इस डेफिनेशन को लाने का उद्देश्य कहा गया है कि वो टैकल करना चाहते हैं द राइज ऑफ इस्लामोफोबिया एंड एंटी इन ब्रिटेन तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड पहले इस्लामोफोबिया और एंटी को समझ लेते हैं तो इस्लामोफोबिया बेसिकली डिसक या प्रेजिडिस है अगेंस्ट दी मुस्लिम कम्युनिटी और इस्लाम यहाँ पर कुछ स्टीरो टाइप्स को इंक्लूड किया जा सकता है कुछ जनरलाइजेशन को इंक्लूड किया जा सकता है अबाउट द मुस्लिम एंड द रिलीजन एंड कहीं ना कहीं डर यहाँ पर लाया होता है ऑफ मुस्लिम्स दिस इज इस्लामोफोबिया इस्लाम से डर बेसिकली ठीक है इज बेसिकली हेट्रेड एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जूस तो ये दो रिलीजियस या कम्युनिटीज के अगेंस्ट जो सेंटिमेंट हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है उसको टैकल करने के लिए डेफिनेशन लाई गई है अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट ठीक है यहाँ पर अगर हम एंटीसीमेटिज्म uh, की बात करें तो इसमें कुछ स्टीरो इंक्लूड किए जाते हैं कुछ जर्नलाइजेशन इंक्लूड की जाती है जूस के लिए जहाँ पर जूस को ब्लेम किया जाता है फॉर द प्रॉब्लम इन द ठीक है तो इस तरह के जो सेंटिमेंट्स है उनको चेक करना है

यूके uh, गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजन ले चुकी है जहां पे हेट टीचर्स को फ्रॉम पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडोनेशिया उनको ब्लॉक किया जाए फ्रॉम एंटरिंग यूके बिकॉज ऑफ द राइजिंग राइजिंग टेंशन इससे क्या हो रहा है ना वो हेट टीचर्स आते हैं वो uh, आग में फ्यूल का काम करते हैं और चीजों को और ज्यादा बढ़ा देते हैं और ज्यादा एग्रीवेट कर देते हैं जिसको लेके अलग अलग समय पर सरकार कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रही है ठीक है यहां मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर सात का जो अटैक था ऑन इसराइल बाय हमस इसमें बहुत सारे इस इस अटैक के बाद से बहुत सारे ग्रुप्स जो है वो इस अटैक का इस यू नो वॉर का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं टू एडवांस अ डिवेसिव हेटफुल आइडियोलॉजिकल एजेंडा चीजें खराब करने की डेमोक्रेटिक राइट्स और वैल्यूज को डिसरप्ट डिस्ट्रॉय करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है जिसके चलते बहुत सारे ओकेजन्स पर यूके की स्ट्रीट्स को हाईजैक किया गया है बाई दी हॉस्टाइल ग्रुप्स जिसको कंट्रोल करने के लिए जिसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग चीजें ट्राई कर रही है अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं ठीक है यहाँ पर दिक्कत यह है कि ये जो नई डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं इस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी आया है एग्जैक्टली exactly क्या क्रिटिसिज्म है वो भी हम देखने वाले हैं बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए अन अकादमी ऑफलाइन सेंटर्स के बैचेस हमारे शुरू हो गए हैं ग्यारह मार्च से उनमें एनरोल आप कर सकते हैं इस क्यू आर कोड को स्कैन करके यहाँ पर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको फोर्टी परसेंट तक का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन पर साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर आपको ना केवल यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी बल्कि यहाँ पर आपको कुछ और बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं जैसे वन ऑन वन मेंटोरशिप आपको मिलेगी एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इसके अलावा हमारे सेंटर्स पर आपको मिलता है फ्री वाई फाई और लाइब्रेरी फैसिलिटी भी चलिए इसी के साथ हमें करंट अफेयर कैप्सूल कोर्स भी आपके लिए ले आए हैं दोस्तों 2024 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए जहां पर इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी डाउट रिजोलूशन के साथ बाय फैकल्टीज ये आपको पढ़ाया जाएगा बाय द टॉप एजुकेटर्स इन द कंट्री लाइक अनुद्ध सर एंड चंद्रमौली सर यहाँ पे पूरा का पूरा जो करंट अफेयर है एक साल का वो कवर कराया जाएगा दो हजार को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स का ड्यूरेशन सिक्सटी आवर्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी लेक्चर्स होने वाला है दोनों ही मॉड्यूल ऑफलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन मॉड्यूल में आपको ये मिल जाएगा किसी भी इंक्वायरी के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर आप दिए गए एड्रेस के से, पर जो सेंटर है हमारा तिवारी हाउस पूसा रोड पर उसको भी विजिट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में नंबर्स है उस पर भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं ये जो नई परिभाषा दी जा रही है एक्सट्रीमिज्म की उसके अंतर्गत उग्रवाद क्या है उग्रवाद है, है प्रमोशन या फिर एडवांसमेंट ऑफ एन आइडियोलॉजी किसी विचारधारा का जो कि बेस्ड है ऑन वायलेंस और इनटॉलरेंस और जिसका उद्देश्य है निगेट करना डिस्ट्रॉय करना फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम्स को लोगों की दूसरों की या फिर अंडरमाइन करना या ओवरटर्न करना या रिप्लेस करना यूके के सिस्टम को ऑफ लिबरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उसको बदला उसमें यू you नो know, उसको ओवरटर्न करने का प्रयास करना एंड डेमोक्रेटिक राइट और इंटेंशनली क्रिएट करना एक परमिसिव एनवायरमेंट दूसरों के लिए ताकि ये किया जा सके तो ये अब एक्सट्रीमिज्म की परिभाषा में शामिल कर दिया गया ये अब एक्सट्रीमिज्म होगा ठीक है जो प्रीवियस डेफिनेशन थी जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी 2011 में अंडर प्रिवेंट स्ट्रेटेजी जो एंटी टेररिज्म से रिलेटेड थी जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया उसके अकॉर्डिंग एक्सट्रीमिज्म को डिस्क्राइब किया गया था एज वोकल और एक्टिव ऑपोजिशन टू फंडामेंटल ब्रिटिश वैल्यूज मतलब नॉट इन योर बिहेवियर एक्टिव है वोकल है आप बोलकर कर रहे हैं ठीक है इसमें जो फंडामेंटल ब्रिटिश है दे इंक्लूडेड डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट फेथ्स एंड बिलीव्स अब आपके बिहेवियर में भी अगर आ रहा है देन ऑल्सो इट इज एक्सट्रीमिज्म अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन ठीक है जो नई डेफिनेशन है वो नैरोअर है और और ज्यादा प्रिसाइज कर दी गई है और ये हेल्प करेगी क्लियरली आर्टिकुलेट करने के लिए कि हाउ एक्सट्रीमिज्म इज एविडेंस इन बिहेवियर्स किस तरह से वो बिहेवियर में दिख रहा है राइट ना right. इसमें यह भी कहा गया है कि एक हाई बार्स पर सेट किया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग uh, किसी को एक्सट्रीम एक्सट्रीमिस्ट कैटेगराइज किया जाएगा और यह बिल्कुल भी टारगेट नहीं करने वाली है उन लोगों को जिनका प्राइवेट पीसफुल बिलीफ है मतलब यू हैव फ्रीडम ऑफ बिलीफ आपका अपना एक बिलीफ सिस्टम हो सकता है लेकिन इट हैज टू बी पीसफुल इट शुड नॉट बी वायलेंट इट शुड नॉट बी इनटॉलरेट टॉलरेबल राइट नाउ जो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स हैं जो कि ऐड किए जाएंगे इस लिस्ट में टू तो द एक्सट्रीमिस्ट वो उनको क्रिमिनलाइज घोषित नहीं किया जाएगा उनको क्रिमिनल्स घोषित नहीं किया जाएगा अनलाइक द टेररिस्ट ग्रुप्स ठीक है इन स्टेड उनको बार कर दिया जाएगा फ्रॉम द विद द गवर्नमेंट और वो किसी भी तरह की गवर्नमेंट फंडिंग रिसीव नहीं कर सकेंगे नाउ अगर कोई व्यक्ति लेबल किया जाता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन लेबल की जाती है एक्सट्रीमिस्ट तो उसका क्या मतलब है तो यहां पर सरकार का कहना है यूके गवर्नमेंट का कहना है कि एक टीम ऑफ इंपार्शियल ऑफिशियल्स कैरी आउट करेगी रिग्रस असेसमेंट काफी मतलब रिग्रस असेसमेंट किया जाएगा अगले कुछ हफ्तों में बिफोर कि अनाउंसिंग कि किस ग्रुप को लेबल किया जाए एक्सट्रीमिस्ट यहां पर यदि कोई ग्रुप कैटेगराइज किया जाता है एज एन एक्सट्रीमिस्ट उसको बैन कर दिया जाएगा किसी भी तरह की सरकारी फंडिंग रिसीव करने से और कोई भी सरकारी सपोर्ट उसको नहीं मिलेगा लेकिन यहां पर एक छोटा सा विंडो भी दिया गया है जहां पर ग्रुप क्या है अगर वो नहीं मानता है नहीं एक्सेप्ट करता है इसको तो दे हाँ, आ, दे हैव कैन रिव्यू इन दी कोर्ट्स अगर उनको लेबल कर दिया गया एक्सट्रीमिस्ट ठीक है ना क्या ये जो ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स जिनको कहा जाएगा एक्सट्रीमिस्ट उनको उनकी लिस्ट भी इशू की जाएगी क्या उनको नेम भी किया जाएगा तो ये एक पूरी की पूरी लिस्ट ऑफ दोज आइडेंटिफाइड एज एक्सट्रीमिस्ट इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पब्लिश किया जाएगा आने वाले हफ्तों में

चाहे वो ऐसा व्यक्ति हो जो जेंडर क्रिटिकल व्यूज रखता हो या कोई जो अबोर्शन को अपोज करता हो उन सबको भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है इन द कैटेगरी ऑफ एक्सट्रीमिज्म या एक्सट्रीमिस्ट कुछ का कहना है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा टारगेटिंग दोज हु सिंपली एक्सप्रेस स्ट्रोंगली हेल्ड ओपिनियंस उनको टारगेट किया जाएगा पर्टिकुलरली मुस्लिम्स को या फिर इसको इसका इस्तेमाल किया जाएगा लोगों को चुप करने के लिए जो सरकार से डिसग्री करते हैं आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपको भी लगता है कि इट इट इज इज अ चेक ऑन फ्री स्पीच क्या ये बोलने की आजादी का एक तरह से कह सकते हैं कि उल्लंघन किया जा रहा है पे उसको वायलेट करने का प्रयास कर रही है सरकार यूके गवर्नमेंट मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों चलिए टू क्रैक यूपीएससी फिल्म दो जो स्ट्रैटेजी है वो आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है इस पॉडकास्ट का जिससे आपके सभी डाउट्स और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और आपको स्ट्रैटी मिल जाएगी टू क्रैक योर एग्जाम्स दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड आई होप यू लाइक द सेशन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो इथ द बेल लाइक सो यू गेट नोटिफिकेशन अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस टेक केयर बाय बाय